रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू कोफ्ते। आलू कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें, मैंने बीफ का कीमा लिया है और देखें आप इसको मैंने कितना बारीक बारीक पीसा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रेशे बन गए हैं इसके। ये मैंने हाफ के जी यानी आधा किलो लिए। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो आप देख लें। यहाँ पर सबसे पहले स्पाइसिस में है नमक और रेड चिली पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है यानी आधी चम्मच। यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला पाउडर और ये है मेरे पास कोरिएंडर पाउडर और ये है मेरे पास क्यूमन सीड पाउडर। यानी गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरे का पाउडर ये 1 टीस्पून लिया तीनों का। और इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही इजी मैं आपको कोफ्ते बनाने सिखा रही हूँ। पहले भी मैंने एक रेसिपी अपलोड की हुई है इस पर, वो भी आप चेक कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट यानी गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये है मेरे पास 1 टीस्पून ग्रीन पेपर यानी सब्ज मिर्चें जो होती हैं ग्रीन चिली, उसकी पेस्ट है 1 टीस्पून। आप अपनी मर्जी से सब्ज मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मेरे पास ओनियन, ये आप देखें बारीक बारीक है, इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। ये 1 स्मॉल साइज का यानी एक छोटे साइज का मैंने लिया है, इसको ऐसे मैंने बारीक बारीक कर लिया। ये देखें, ये है मेरे पास 1 एग यानी 1 अंडा। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून चने का आटा, अगर आपके पास काले चनों का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन को रोस्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया मैं सारी चीजें कीमे के अंदर। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। कीमे को मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया है 15 मिनट्स के लिए। अभी इतनी देर में हम मसाला रेडी करते हैं। ये देखिए 1/2 कप में इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, इसके गर्म होने का वेट करते हैं फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तेल गर्म होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर ये देखिए 2 मैंने दरमियाने साइज की प्याज लेके इनके देखिए बारीक बारीक पीस लिए। अगर आप पेस्ट बनानी चाहते हैं तो पेस्ट बनाने, ये देखिए मैंने पेस्ट नहीं बनाई हुई, इनको बारीक बारीक बस पीसा हुआ दानेदार है ये। तो मैं 5 से 6 मिनट भूनूंगी ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए अब इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट यानी गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे इसके अंदर ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें अब मेरे पास है 2 टमाटर और सब्ज मिर्चों की पेस्ट। सब्ज मिर्चें आप अपनी मर्जी से जितनी ऐड करनी चाह रहे हैं तो कर लें। मैंने इसमें 2 की हैं दरमियाने साइज की, ना बहुत बड़ी थी ना बहुत छोटी थी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्पाइसेस। ये देखिए सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। ये है मेरे पास क्यूमिन सीड पाउडर यानी जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इनको डाल के मिक्स करेंगे। आप नमक और मिर्ची अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप वाटर का यानी पानी का और इसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से गल जाएं। देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया, मीडियम फ्लेम पे रखने लगी हूँ दरमियानी आंच पे ताकि मसाले गल जाएं। देखिए 15 मिनट्स हो गए, मैं हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाया, थोड़ा सा कीमा लेके
तो आपने पूरी कोशिश करनी है इसमें क्रैक्स ना हो, अगर क्रैक्स होंगे तो आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। ये देखें इस तरह करके आपने कोफ्ते बनाने हैं। इसी तरह और मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए मैं हाथों से ऐसे इसको कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें जो क्रैक्स हैं वो फिनिश हो जाएं और ये सॉफ्ट सा कोफ्ता बने। इसमें ये देखें कोई क्रैक नहीं है इसमें, ये देखें, ये देखें मैंने कोफ्ते बना लिए। आप इसी तरह इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप प्लेट फ्रीजर में रख दें तो जब ये फ्रीज हो जाएंगे इनको निकाल के तो जिप लॉक बैग में रख दें, ये किसी भी शॉपिंग बैग में रख लें, तो ये जब भी आपका दिल करे तो आप निकाल के इनको बना सकते हैं या इनको फ्राई करके आप फ्रीजर में रख दें। फ्राई करके फ्रीजर में रखेंगे उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। ये देखिए अब ये ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं डालूंगी मीट बॉल यानी कोफ्ते। देखिए मैं कोफ्ते डाल रही हूँ। जब इनकी एक साइड जो है गोल्डन हो जाएगी हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें मैं साथ साथ इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट मैंने इनको एक तरफ से कुक होने दिया, फिर 2 से 3 मिनट मैं दूसरी तरफ से कुक कर लूँगी। ये देखिए कोफ्ते ब्राउन हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी। अब ये प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए, अब हम मसाले की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैं मसाले की बनाई कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें डालूंगी पोटैटो यानी आलू। ये मैंने 2 दरमियाने साइज के लिए और इनको देखिए मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ। ये पानी में डाल के इसकी बनाई करेंगे, मसाले में डाल के, और साथ ही मैं इसमें ये देखें छोटी और बड़ी इलायची का पाउडर है वो डालेंगे। ये देखिए पोटैटो की मैंने बनाई कर ली है 2 से 3 मिनट, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये देखिए ये वाले बाउल मैंने 1.5 डाले हैं इसमें, 1.5 बाउल। अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ। ये देखिए मैं इसको ढक्कन लगा दिया ताकि आलू जो है वो गल जाए, तो तकरीबन जब हाफ गल जाएंगे तो इसके अंदर जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हुए थे वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कोफ्ते जो हमने बनाए हुए थे फ्राई करके रखे हुए थे, वो हम इसमें रख देंगे। अब ये देखिए इसमें 2 सब्ज़ मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाले का डाल के तो हम इसको दम पे रख देंगे। देखें आलू और कोफ्तों का सालन रेडी है। ये देखें बहुत ही मज़े का बना है, पूरे घर में इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू हुई हुई है, तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।